हम में से बहुत लोग बैठे बैठे खाने उंगली टूथपिक क्यूटिप ये सब डाल के खुजलाते रहते हैं। अव्वल तो प्लीज टूथपिक या फिर कोई और नुकीली चीज ना कान में हरगिज ना डालें। अब ज्यादातर लोग कान से वैक्स निकालने के लिए ऐसा करते हैं, पर कान में वैक्स आता कहाँ से है? अंदर कोई मोमबत्ती तो जलती नहीं है। फिर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईयर वैक्स को मेडिकल भाषा में कहते हैं सेरुमन। हाँ, ये देखने में वैक्स जैसा लगता है इसलिए इसका नाम ईयर वैक्स पड़ गया, पर ये वैक्स होता नहीं है। ये बना होता है सीबम, स्किन के सेल्स, पसीना और गंदगी से। अब ये सीबम क्या है? आपकी स्किन एक तेल नुमा चीज बनाती है, इसमें फैट भी होता है, ये सीबम है। खैर, ये ईयर वैक्स आपका कान बनाता है खुद को प्रोटेक्ट और साफ करने के लिए। आपके कानों में ग्रंथि यानी कि ग्लैंड होता है, यही ये जो वैक्स है उसे बनाता है। वो इसलिए ताकि ये वैक्स और आपके कान में जो छोटू छोटू से बाल है ना, वो धूल या फिर किसी बाहरी चीज को कान के अंदर आने से, घुसने से पहले ही रोक ले, उसको जकड़ ले। जैसे कोई गार्ड जो एंट्री पर बैठते हैं और किसी ऐसे इंसान को अंदर आने से रोकते हैं जिससे खतरा हो सकता है, ठीक वैसे ही। अब जिन लोगों के कान में ये कम बनता है, ईयर वैक्स जो है वो कम बनता है, उनको खुजली, इन्फेक्शन, दर्द वगैरह की शिकायत भी रहती है। समझे?